नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अब आपको रागी यानी राजगीरा के आटे से बताऊंगी मसाला पूड़ी बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है इस अपने कप से 2 कप राजगीरा के आटे या रागी का आटा। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल का यूज कर रही हूँ और ये ऑयल मैंने हल्का सा हीट कर दिया है। अब मैं धीमे धीमे पानी डालूंगी। 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। धीमे धीमे मैं इसमें रागी के आटे में अपने पानी मिलाऊंगी और आटा मिक्स कर दूंगी। पहले चम्मच से मैं मिक्स कर दे रही हूँ, आप हाथ का यूज कर लीजिएगा। ये हमारा आटा मैंने मिक्स कर दिया, 1 कप पूरा पानी लग गया है। मैं इसे अब हाथ से मिक्स कर दे रही हूँ। इसका डो हम बनाएंगे और 5-6 मिनट तक नीट करके इसे हम 15 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मसाला पूड़ी के लिए अब हम आटे में स्टार्ट करते हैं मसाले डालने। नमक डाल दिया मैंने, थोड़ी सी हींग, थोड़ा गरम मसाला जिसमें सौंठ वगैरह सब चीजें हैं, थोड़ी सी अजवाइन का पाउडर, सब चीजों को अब हम इसमें नीट करके मिला लेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम अपनी पूड़ी बनाना। इसे 4 से 5 मिनट और गूंथ लेंगे। हमने अपने आटे को रेस्ट कराने के बाद 2-3 मिनट नीट करके एकदम सॉफ्ट बना दिया है। अब हम इसे बेलेंगे अपनी मसाला पूड़ी, जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप बराबर हिस्सों में अपने आटे को बांट लीजिए, जितनी बड़ी छोटी मोटी जैसी आपको अपनी पूड़ी बनानी हो। पहले हम लोई कर लेंगे, फिर अपनी पूड़ियां बनाएंगे। इसके पहले हमें अपने चकले को हल्का सा ऑयल करना होगा और अपने बेलन को भी। ऑयल करने के बाद हम इसे धीमे धीमे बेलेंगे, बहुत टाइटली नहीं, हल्के हाथों से बेलिए और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा ये गेहूं का आटा नहीं, रागी का है। इसमें लचीलापन नहीं होता है, ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण ये लचीला नहीं होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसमें हमने पैथन नहीं लगाया है, तब ये रोटेट भी नहीं होगा। असावधानी मत कीजिएगा उठाते समय, इसे बेलिए और हल्के हाथों से इसे उठा लीजिए। अब हमारी मसाले वाली पूड़ी भी मैंने बेल ली है। मैं स्टार्ट करूंगी इसे फ्राई करना। मैंने रागी के आटे को अच्छे से मसल कर गूंथ कर उसके बाद इसके चकले बना दिए हैं। अब मैं पूड़ी को बेलूंगी। इसी तरह हम सारी पूड़ियां अपनी बेल लेंगे। बेलने के बाद फिर हम डीप फ्राई करेंगे इसे। हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। हमारा ऑयल गरम हो रहा, हमने गरम कर लिया था, चेक कर लिया, तेल हमारा गरम हो चुका है। मैंने पूड़ियां डाल दी हैं, देखिए
हमारी पूड़ी फूल रही है। इसे सिकने में हमें 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है और रागी की पूड़ी है, मसालेदार, इसलिए बहुत पतली मैंने नहीं बनाया। देखिए हमारी पूड़ी एकदम तैयार हो गई। इसी तरह हम अब बाकी पूड़ियों को भी सेक लेंगे। क्रिस्पी अपनी पूड़ियाँ, जो मसालेदार रागी की पूड़ियाँ मैंने इसे तल ली है और ये पूरी तैयार हो गई है, काफ़ी क्रंची है। अगर आपको हमारे रागी की मसालेदार पूड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।